वो दुखी हुआ, उसमें बुद्धि नहीं थी, मुझे मिल जाए तो मैं सुखी रहूंगा। फिर हम सोचते रहे, हम सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, सोच सोच के अपने जीवन को बर्बाद कर दें, निकाल दें सब कुछ, कि वो बेचारा सदुपयोग नहीं कर पाया करोड़ों रुपए का, अपना हानि कर लिया, मुझे मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा। उसके पास बुद्धि नहीं थी सुखी होने की, मुझे मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा। लेकिन ऋषियों ने तो उल्टा बताया कि त्याग से ही सुख मिलेगा, आसक्ति के त्याग से ही सुख मिलेगा, भोग से सुख नहीं मिलेगा। भोग से तो केवल हम सेवा करने के काबिल बन पाएंगे। भोग करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सेवा करने के हम काबिल बन पाएंगे, इसीलिए भोग हमें मिल रहा है, इसीलिए धन वैभव सब कुछ हमें इसीलिए मिल रहा है कि हम और ज्यादा सेवा कर पाए। जिसको ज्यादा मिला वो और ज्यादा कर पाए, जिसे कम मिला वो उतना कर पाए, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसको जितना भोग मिला है वो भोग सामग्री नहीं है, वो सेवा सामग्री है, कि हम उससे इस शरीर की सेवा कर पाए और इस शरीर से फिर हम संसार की सेवा कर पाए, अपनों की सेवा कर पाए, अपने समाज की, अपने देश की सेवा कर पाए। भोग से सुख नहीं मिलेगा, भोग सुख देने के लिए नहीं आया है, भोग आया है कि हम उससे सेवा कर सकें, उसमें आसक्ति ना रखें। नहीं तो फिर हमें धोखा मिलता है कि हमारा पूरा जीवन चला गया इसके पीछे भागते हुए, लेकिन कोई सुख नहीं मिला, मुझे किसी ने सुख नहीं दिया, मुझे हर जगह से दुख मिला, लगता है इस जीवन में भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा भाग्य हम खुद लिख रहे हैं, हमारे भाग्य में हम दुख खुद लिख रहे हैं, जाने अनजाने। और फिर हम स्वयं को नहीं देख पाते कि मेरे जीवन में दुख का कारण मेरा स्वयं का अज्ञान है, स्वयं की अश्रद्धा है, स्वयं के अकर्म है। हमारी बुद्धि बाहर रहती है कि वैसी परिस्थिति नहीं मिली इसलिए दुख है, वैसा व्यक्ति नहीं मिला, मेरे मन के हिसाब से नहीं चला, वैसा धन, वैसा पद, वैसा स्वास्थ्य नहीं मिला, ये दुख का कारण है। दुख का कारण हमारी गलत मान्यता ही है कि हम दुखी हैं, हम सुख स्वरूप नहीं हैं। स्वयं को न जानना यही दुख का कारण है। भगवान की, गुरु की, शास्त्र की न मानना, यहीं से दुख लिख गया भाग्य में, अब उसको कोई मेट नहीं सकता। मेटने वाले भी हम हैं, लिखने वाले भी हम हैं, मान्यता करने वाले भी हम हैं, और मान्यता को बदल देने की भी शक्ति हम में ही, क्योंकि मान रखा है, मानने को हम कभी भी बदल सकते हैं, चाहे आज बदल दें, और आज ही बदल, वर्तमान ही हमारे पास। भविष्य भी एक भ्रम है कि भविष्य में सुख मिलेगा, जब वर्तमान में नहीं है तो भविष्य में भी नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? वर्तमान में जो है भविष्य उसी से बनेगा, वर्तमान में जो सुखी है भविष्य में भी सुखी रहेगा, वर्तमान में जो दुखी है वो भविष्य में दुखी रहेगा। वो कितना भी सपना देख सकता है कि मेरे को सुख मिलेगा मिलेगा, सपना तो कुछ भी देखता है आदमी, लेकिन वास्तविकता में दुख वर्तमान में है तो भविष्य में है, क्योंकि भविष्य है ही नहीं, वर्तमान ही है, न तो भूतकाल है न भविष्य है। हम वर्तमान में निरासक्त हो, हम वर्तमान में सुखी हो, भगवान की शरणागति में हो, और किसी भी वस्तु से कोई अपेक्षा न करें, वस्तु से भी और व्यक्ति से भी और परिस्थितियों से भी हमारी कोई अपेक्षा न हो,
एक रत्ती की भी कि कोई चीज मुझे कुछ देने वाली है। उल्टा ये हो कि मुझे ही अपनी सेवाएं व्यक्तियों को देनी है, वस्तुओं के माध्यम से सेवा करना है, परिस्थिति कोई भी हो मेरी सेवा चलेगी, वस्तुओं का सदुपयोग होगा, व्यक्तियों के लिए होगा, समाज के लिए होगा। वस्तु से सुख लेना यह तो अनसाइंटिफिक है, अप्राकृतिक है, वो हम सोच रहे हैं तो असंभव सोच रहे हैं। वस्तु तो वस्तु है बेचारी, वो सुख देगी, वो तो जड़ है, और व्यक्ति सुख देगा, वो तो खुद सुख चाह रहा है, वो तो खुद सुख चाह रहा है, वो देगा क्या जो उसके पास है ही नहीं, वो देगा भाई? वो नहीं दे सकता। सुख जिसके पास हो उससे मांगे, जो जान चुका है मैं सुख स्वरूप हूं, जो गुरु है, जो संत है, जो भगवान है, वो दे सकता है। हां वो दे सकता है, अगर उससे प्रीति हो गई तो, उससे हम जुड़ गए तो वो देगा। वो जला हुआ दीपक ही बुझे हुए दीपक को जला सकता है, बुझा हुआ दीपक हम कितना भी टच करें नहीं जलेगा। हम बुझे हुए व्यक्तियों से कितना भी राग करें, कितना भी दिन में कितना भी सपने दें, इससे सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, और दुख मिलेगा, घनघोर दुख इसलिए मिलेगा, ये बताने के लिए मिलेगा कि भाई इससे डिटैच हो, इसका राग मत कर। ज्ञान हमें दुख दिलाता है, हमको पीड़ित करने के लिए नहीं, हमको जागृत करने के लिए, हमारी दिशा को बदलने के लिए। भगवान जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उससे ज्यादा तप करवाते हैं, उसे ज्यादा दुख देते हैं कि आ मेरे पास, से ज्यादा रोका टोकी करते हैं। शिक्षक उसको ज्यादा दंड देता है जिससे ज्यादा प्रेम करता है, नहीं तो छोड़ देता, अरे ये तो बिगड़ गया, हाथ से निकल जाने दो। लेकिन दंड मिल रहा है, भगवान हमसे प्रीति करते हैं। हम जितना भगवान को चाहेंगे ना तो भगवान हमको चाहेंगे, और भगवान ने हमें चाहा तो भगवान हमारे को अपना बना लेंगे, माया को हटा देंगे, भ्रम को हटा देंगे, संसार को हटा देंगे। लेकिन जिसका राग संसार में है ना, उस संसार हटते ही उसकी चीख निकलती है कि भाई इसी के लिए तो तुम्हें मान रहा था, यही हटा रहे हो भाई, संसार के हटने में तो खुश होना चाहिए। संसार हटना तय है, या आज हटे या कल हटे, उसमें दुखी होना, संसार के हटने से हार्ट फेल हो जाना, ये तो परम अज्ञान की अवस्था है, तमस की अवस्था है। तो जो भगवान से प्रीति करे, प्रेम करे, मंदिर जाए, वो तैयार रहे कि भगवान मेरा सब कुछ प्यारा जो मुझे लग रहा है संसार में वो छीन लेगा, जो भी मुझे संसार में प्यारा लग रहा है वो छीन लेगा। क्यों छीनेगा? ताकि भगवान चाहता है कि हमारा गलत जगह प्यार ना हो, वो अपने में प्यार कराना चाहता है। प्यार दो जगह हो सकता है क्या? प्यार दो जगह तो नहीं बट सकता। तो या तो हम भगवान से प्यार करें तो संसार की इच्छा ना करें, या संसार की इच्छा करें तो फिर भगवान की इच्छा ना करें। और संसार की कितनी भी इच्छा करो, संसार हाथ में टिकेगा नहीं। क्या ये माइक सदा बना रहेगा? नहीं। दुनिया की कोई भी चीज अपने स्वरूप को बदल देगी, वो खुद बताती है कि मैं शाश्वत नहीं हूं। हमारा शरीर ही खुद बता रहा है, सब जा रहा है। इसलिए किसी के भी, जिसको भी हम प्रिय मानते हैं, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को, किसी पद को, किसी व्यक्ति को, उसको
चले जाना चाहिए हमारे जीवन से, ताकि हमारी आसक्ति किसी उससे बड़ी चीज में लग सके, हमारा ध्यान किसी बड़ी वस्तु भगवान में लग सके। इसलिए भगवान को जो चाहता है वो फिर भगवान को ही चाहता है, जो भगवान को चाहता है उसके जीवन से कोई भी वस्तु व्यक्ति चला जाए तो उसको फिर फर्क नहीं पड़ता, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते, वो भगवान का धन्यवाद ही करेगा, त्याग अपने आप हो जाएगा। भगवान को चाहा कि संसार का त्याग अपने आप मन से ही हो जाता है, और एक बार त्याग हो गया तो वस्तु के जाने पर दुख नहीं होता है। वस्तु में आसक्ति है तो बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। इसलिए भगवान की कृपा से ही संसार मिलता है, सेवा के लिए मिलता है, सेवा के लिए। पर उसी में अज्ञानी व्यक्ति जब उसी में आसक्ति करने लगता है तो भगवान उसको छीन लेता है कि अरे ये तो मूर्ख आसक्ति करने लगा, छीनो। संसार मिलता है उसकी कृपा से, संसार दूर जाता है वो भी उसकी कृपा से। कितनी उसकी कृपा है, हमको व्यक्ति मिलता है, संबंध मिलते हैं कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उन्हें सुखी कर सके, वस्तुएं मिलती हैं कि हम उनसे सेवा कर सकें। लेकिन उन्हीं वस्तु व्यक्ति को जब हम अपना मानने लगते हैं तो वो छूट जाएंगे, वो छूट जाएंगे, क्योंकि उनमें आसक्ति नहीं करनी थी। भगवान के तकरपाल हुए, आसक्ति करते ही उनसे उनको छीन लेता है। अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति मेरे पास रहे, खूब धन खूब ऐश्वर्य मेरे पास रहे, तो हम अनासक्त होकर के जिएंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी, फिर सब भरा रहेगा। और किसी भी चीज को अपना माना कि वो गई और दुख दे करके गई, सबक सिखा करके गई। अपना मानना है तो किसे मानना है, केवल और केवल ईश्वर को, भगवान को, क्योंकि वो जा नहीं सकता। उसको अपना मानेंगे तो वो और आ जाएगा, और आ जाएगा। संसार को अपना मानेंगे तो वो और चला जाएगा, जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना दूर भागेगा, और पकड़ने कोशिश, दुख के साथ दूर होगा, दूर जाए लेकिन इतना दुख होगा। सबक सिखाएगा कि फिर पकड़ने की कोशिश मत करना। लेकिन हमारा दुख हमको बुद्धि दे तब ना, ठोकर खाने से बुद्धि आए तब ना, बुद्धि नहीं आती फिर ठोकर खाने को तैयार, ठोकर खा खा के जीवन भी चला जाता है, बुद्धि भी नहीं आती। इस तरह से ऐसे भगवान ने ये लीला रच रखी है कि सामान देता भी वो है, सामान लेता भी वो है। सामान उसको नहीं लेगा, लेकिन जब हमने सामान का दुरुपयोग करना शुरू किया तो सामान ले लेगा। अब कोई बच्चा मोबाइल का दुरुपयोग करेगा तो माँ ले लेगी कि नहीं मोबाइल, अरे ये मूर्ख नहीं तो मैंने किस लिए, मेरे को बात करने के लिए दिया था, ये तो किसी और से ही बात करने में लगा रहता है, ले लेगी मोबाइल, इसी मोबाइल में ही आसक्ति हो गई, आंख फोड़ रहा है अपने। भगवान भी छीन लेता है, खैर इसे वस्तुएं दी थी सेवा के लिए, व्यक्ति दिए थे सेवा के लिए, ये तो उन्हीं में आसक्ति करने लगा, उन्हें अपना मानने लगा, फिर वो चीज जल्दी जाती है जिसे भी हम अपना मान लेते हैं। तो इसलिए सब कुछ किसका है, भगवान का, और भगवान किसका है, मेरा। तो सब कुछ मेरा हो ही गया, मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, जब भगवान ही मेरा है और मैं सुख स्वरूप हूं, मैं उसी का अंश हूं, मैं भगवान का ही रूप हूं, भगवान का ही अंश हूं, भगवान है मेरे पास, यही सबसे बड़ा धन है, मैं हूं यही सबसे बड़े सुख की बात है, मैं हूं तो सब है, और मैं नहीं हूं तो फिर दुख किस बात का, फिर तो मैं ही नहीं हूं तो फिर दुख करने वाला कौन है। इसलिए भगवान से
हम कुछ ना मांगे, कोई संसार की चीज ना मांगे, क्योंकि संसार की चीज तो हमें बिना मांगे ही मिली है और संसार की चीज भगवान नहीं देता। संसार की चीजें हम कर्म करेंगे तो मिलती हैं, कर्म से मिलेगी, मांगने से तो केवल भगवान मिलेगा, बाकी सारी चीजें कर्म से मिलती हैं। मांगने से केवल और केवल भगवान मिलता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म नष्ट होंगे, कर्म अनित्य हैं, कर्म फल भी अनित्य है, लेकिन भगवान तो नित्य है। मिटने वाले कर्मों से, अनित्य कर्मों से नित्य भगवान कैसे मिलेगा? अनित्य कर्मों से अनित्य चीजें मिल जाएंगी, तो चीजें मिल जाएंगी करने से, भगवान मिलेगा केवल और केवल इच्छा से, मांगने से, प्रीति से, प्रेम से। वो मिला हुआ ही है, वो दूर नहीं, तो मिला हुआ ही, बस इच्छा से हमें पता चल जाता है कि अरे मैं तो एक हूं उससे। प्रीति से, प्रेम से हम ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं, प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो जाते हैं, उनमें भेद नहीं होता, अभेद और अभिन्नता महसूस हो जाती है भगवान से हमारी। उसके लिए कुछ कर्म नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, जो चीज हुई हुई है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और अगर कर रहे हैं तो फिर करते रहे जीवन भर, फिर तो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। जो चीज हुई हुई है उसके लिए तो बस उसकी इच्छा करनी होती है कि जो चीज हुई है उसका अनुभव हो जाए प्रभु, जो चीज मिली है उससे प्रेम हो जाए, मेरी हो जाएगी वो। ईश्वर के लिए कर्म नहीं, अपने लिए भी कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी तो हैं, अपने लिए क्या कर्म करना? हम तो हैं, हम में कोई बदलाव थोड़ी आएगा, हम जैसे हैं वैसे हैं। ना हमारे लिए कर्म हो सकता है, ना भगवान के लिए कर्म हो सकता है। कर्म किसके लिए हो सकता है? केवल और केवल संसार के लिए। संसार के माध्यम से ही संसार के लिए कर्म होगा, संसार से जो चीजें प्राप्त हुई हैं उन्हीं से ही संसार की सेवा होगी। अपने लिए कर्म नहीं हो सकते, अपने लिए वस्तुएं नहीं हो सकती, अपने लिए कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, अपने लिए तो केवल भगवान है। अपने सुख के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, हम सुख स्वरूप हैं, तो सारा हम जितना हो सके सुख बांटें, सुख दें, हम जितना हो सके सेवा करें, निरासक्त होकर के, निरअभिमान होकर के, निरअपेक्ष होकर के, सद्भाव के साथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं तो सब है, और सब कुछ समाप्त होना है तो समाप्त होने से पहले ही मैं त्याग पूर्वक सेवा करूंगा, आसक्ति पूर्वक नहीं, अपना मान के नहीं। ये शरीर भी अपना नहीं है कि हम इसको भोग करके सुखी होना चाहें, शरीर से सुख लेने की इच्छा आसुरी प्रवृत्ति है, शरीर से सेवा करने की इच्छा दैवीय प्रवृत्ति है, क्योंकि शरीर भी संसार का है, शरीर जड़ है, जड़ वस्तु सुख दे नहीं सकती, जड़ में क्रिया नहीं होती, सुख देना तो एक क्रिया है, जड़ वस्तु क्रिया कैसे करेगी? प्रकृति कैसे जड़ होकर के सुख देगी? सुख तो केवल हमारा स्वरूप है, भगवान का है। हम भगवान को जान जाएं या स्वयं को जान जाएं, स्वयं को जान जाएं, भगवान को मान लें, क्योंकि भगवान को जाना नहीं जा सकता, भगवान को माना जा सकता है, स्वयं को जाना जा सकता है कि मैं सुख स्वरूप हूं,
ध्यान के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, या तो भगवान को मान लेता है और संसार की खूब सेवा करता है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी इच्छा के। इच्छा बस एक ही है कि ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मैं तुझे भूलू नहीं। इस बुद्धि में अपनी प्रेरणाएं देना, गजब की प्रेरणाएं देना, इस बुद्धि में तेरा ज्ञान तेरा मार्गदर्शन हो, बस यही प्रार्थना यही कामना। बाकी खूब संसार को सुख मिले, संसार का कल्याण हो, मैं और काम आ जाऊं इस छोटे से जीवन में, मैं जितना संसार में रह रहा हूं उतना संसार के और काम आ जाऊं और काम आ जाऊं और काम आ जाऊं, भगवान ने जो दिया है मैं सब दे दूंगा संसार और अच्छा बने ये संसार, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ मिल सकता ही नहीं, मैं तो पूर्ण हूं, मैं तो सुख स्वरूप हूं। या तो हम ये जान लें या तो ये हम मान लें, अपने लिए कर्म ना हो संसार के लिए, उसमें आसक्ति नहीं रहेगी तो संसार छूटने पर कोई दुख नहीं होगा, ऊपर से प्रसन्नता होगी कि सब जो छूट रहा है वो छूटना ही था और छूट गया और भगवान से मैं मिल जाऊंगा अब। तो फिर साधक भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है और कहता है, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। ओम।